हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे हब में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं पूरी से यशवंतपुर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 22883 पूरी यशवंतपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में, जो कि एक सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ऑपरेट करता है। ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस आज से 8 साल पहले 20 जुलाई 2012 में शुरू की थी। गरीब रथ एक्सप्रेस अपना सफर 1505 किलोमीटर को पूरा करने में 29 घंटे का समय लगाती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है, मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। ये एक वीकली ट्रेन है जो अपने पैसेंजरों को हफ्ते में एक दिन सर्विस देती है, वो दिन है शुक्रवार। ट्रेन में टोटल 18 कोचेस लगते हैं, जिसमें से 16 कोच थर्ड एसी टायर के, 2 ईओजी कोचेस लगते हैं। इसमें पैंट्री कार का कोई कोच अटैच नहीं होता। अब बात करते हैं ट्रेन के टिकट फेयर के बारे में। तो थर्ड एसी में 1060 रुपये ये किराया पूरी से यशवंतपुर के बीच का है, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज और GST चार्ज इंक्लूड होता है। ट्रेन को लालागुड़ा शेड का वैप 7 लोको पूरी से यशवंतपुर तक हॉल करता है। अब बात करते हैं ट्रेन के हॉल्स के बारे में। तो ट्रेन पूरी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दोपहर के 3 बजे रवाना होती है। फिर ट्रेन खुर्दा रोड जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे दोपहर के 3:45 पहुंचती है और 4:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 20 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन छतरापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शाम के 5:38 पहुँचती है, 5:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन ब्रह्मपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शाम के 6:07 पहुँचती है और 6:09 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन सोमपेटा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शाम के 6:50 पहुँचती है, 6:52 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 234 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन पलासा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शाम के 7:30 पहुँचती है और 7:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन श्रीकाकुलम रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात के 8:26 पहुँचती है और 8:28 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन विजयनगरम के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 9:25 पहुँचती है और 9:30 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन विशाखापट्टनम के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे रात के 10:30 पहुँचती है और 10:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 20 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन दुआरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 11:25 पहुँचती है, 11:27 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन अनकापल्ले के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रात के 11:34 पहुँचती है और 11:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 502 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन समरकोट जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रात के 1 बजे पहुँचती है और 1:01 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन राजा मुंद्री के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 1:58 पहुँचती है और 2 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन एलुरू के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रात के 3:34 पहुँचती है, 3:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे सुबह 5:05 पहुँचती है और 5:15 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन गुंटूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 6:05 पहुँचती है और 6:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 15 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 850 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन नारासरोपेट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 7:10 पहुँचती है और 7:11 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन डोनाकोंडा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 8:10 पहुँचती है और 8:11 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन मरकापुर रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 8:47 पहुँचती है, 8:47 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन दिगुवा मेटा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 10 बजे पहुँचती है, 10:01 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 1 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 1066 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन नंदयाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 11:15 पहुँचती है, 11:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन धोने के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दोपहर के 12:35 पहुँचती है, 12:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन अनंतापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दोपहर के 2:18 पहुँचती है, 2:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है।
पिडलन धर्मावरम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे दोपहर के 3:15 पहुँचती है और 3:20 यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 5 का स्टॉप है। फिर ट्रेन हिंदूपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे यहाँ से 4:29 पहुँचते 4:30 यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का 1 का स्टॉप है। फिर ट्रेन जीरखंड के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 7:29 पहुँचती है 7:30 यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 1 का स्टॉप है। फिर ट्रेन अपने डेस्टिनेशन स्टेशन यशवंतपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे रात के 8 बजे पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन 1505 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है।